और अब आ रहा है आप सभी के सामने आपका चहिता ईवे बिल। टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर हमने इसका इस्तेमाल होते देखा और उसके पहले हमने कुछ चैप्टर्स में इसका उपयोग होते देखा, इस शब्द का उपयोग ईवे बिल। और हर बार मैंने आपको कहा कि साहब इसका अलग से चैप्टर है, जब आएगा मैं पढ़ाऊंगा, और अब वो वक्त आ चुका है साहब जब हम पढ़ने वाले हैं क्या ईवे बिल। ईवे बिल हम पढ़े उसके पहले मैं आपको पिछले चैप्टर में ले जाना चाहता हूं। पिछला चैप्टर डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं भैया, टैक्स इनवॉइस चैप्टर की बात कर रहा हूं। और अगर आप सभी को याद हो तो टैक्स इनवॉइस चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? मूवमेंट। और वहां मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट साहब विद सप्लाई भी हो सकता है और विदाउट सप्लाई भी हो सकता है। आपका जो मूवमेंट है, बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपका ईवे बिल का कॉन्सेप्ट निकाल दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ लिंक कराने के लिए पीछे लेके जा रहा हूं कि साहब ऐसा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हो तो एकदम से तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है। गुड्स का जब मूवमेंट होता है, किसका? गुड्स का जब मूवमेंट होता है, सर्विस का मूवमेंट हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं साहब। सर्विस मूव नहीं की जा सकती क्योंकि सर्विस स्टोर नहीं की जा सकती। सर्विस का ये एक इनहेरेंट नेचर है। उसी तरीके से मैं गुड्स की बात कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि साहब गुड्स का जब मूवमेंट होता है तो वो हमने देखा था कि वो विद सप्लाई भी हो सकता है, मतलब कि सप्लाई के कारण, और विदाउट सप्लाई मतलब बिना सप्लाई के कारण भी हम गुड्स को क्या करा सकते हैं भैया? मूव करा सकते हैं। विद सप्लाई में मैंने आपको बताया था नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, सप्लाई का यहां पर मतलब है सेक्शन 7 वाला सप्लाई। विद कंसिडरेशन हो विदाउट कंसिडरेशन हो, सप्लाई बन रहा है और उस कारण से अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो मूवमेंट विद सप्लाई कहलाएगा। और विदाउट सप्लाई में हमने तीन केस बनाए थे। जॉब वर्कर की बात हुई थी क्योंकि जॉब वर्कर को आप माल बेचते नहीं हो सिर्फ भेजते हो, तो इसलिए वो विदाउट सप्लाई था। इसके बाद मैंने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का भी एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था सेल आफ्टर वेरिफिकेशन। ज्वेलरी का केस वहां पर हमने देखा था कि ज्वेलरी पहले दिखानी पड़ती है फिर वो डिसाइड करता है कि साहब ये मैं खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, तो उसके लिए मेरे को ज्वेलरी लेकर दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। और मैंने वहां पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का भी केस देखा था, आप याद करो हमने एक सर्कुलर भी डिस्कस किया था। सर ये तो वो डिलीवरी चालान, अच्छा हाँ सर वो डिलीवरी चालान पढ़ाते वक्त आपने ये कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाया था मूवमेंट वाला। आपने कहा था कि अगर टैक्स इनवॉइस नहीं है तो डिलीवरी चालान के साथ हम गुड्स का मूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो अगर आपने पकड़ ली बात तो। अब मैं कह रहा हूं यहां पर कि गवर्नमेंट ने बोला साहब हमें हर मूवमेंट का रिकॉर्ड चाहिए, हमें हर मूवमेंट को ट्रैक करना है। किसने बोला साहब? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा साहब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो, हाँ जी साहब लेकर जा रहे हैं, हमें बताओ। गवर्नमेंट ने क्या बोला? हमें बताओ। तो आपने बोला सब टैक्स इनवॉइस बनाता रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ने बोला मेरे को मतलब नहीं है। आपने कहा डिलीवरी चालान बनाता रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ने कहा मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि तुम जो डिलीवरी चालान बना रहे हो, तुम जो टैक्स इनवॉइस बना रहे हो, उस पर हम कैसे भरोसा कर लें कि वो 100% जेन्युइन है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर भी कि फाड़ के फेंक दी साहब, फर्जी बना रखी थी, फेक इनवॉइस, फेक डिलीवरी चालान, हाउ गवर्नमेंट विल ट्रेस इट, कैसे पकड़ेगी गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट ने बोला साहब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट लेकर आया। ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट तो अभी लेकर आया साहब, ईवे बिल का कॉन्सेप्ट तो गवर्नमेंट 2017 मतलब जीएसटी जब आया उसके साथ ही थोड़े ही टाइम बाद, जीएसटी आने के 1 जुलाई 2017 के थोड़े ही टाइम बाद ईवे बिल का कॉन्सेप्ट लेकर आ गई। ये मूवमेंट वाला ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूं ये उसी वक्त आ चुका था और ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट देखा। क्या देखा साहब ई इनवॉइस के कॉन्सेप्ट में? INV01 एक फॉर्मेट बता दिया और इस फॉर्मेट के अंदर साहब एक वेबसाइट बना के दे दी IRP। याद करो फटाफट से, रिवाइज भी साथ साथ हो जाएगा तुम्हारा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। और इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उस INV01 में बनाए गए फॉर्मेट को अपलोड करना है, मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है, पंडित जी वापस उसमें कुछ एडिशनल आइटम डालकर आपको प्रसाद वापस कर देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हमने बोला INV01 अपलोड करेंगे, बदले में क्या आ जाएगा बोलो? ई इनवॉइस बनकर आ जाएगा जिसका QR कोड भी होगा और INR इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी उस पर आपको मिल जाएगा, IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल उसी तरह से मेरे दोस्त गवर्नमेंट ने कहा कि हमें मूवमेंट की रिपोर्टिंग भी करनी है, मूवमेंट की भी रिपोर्टिंग चाहिए। मूवमेंट की भी क्या चाहिए? रिपोर्टिंग। याद करो वहां पर मैंने इसी शब्द का प्रयोग किया था, आई यूज द सेम वर्ड्स देयर एज वेल व्हेन आई टॉक अबाउट ई इनवॉइसिंग। आई सेड दैट वेदर द इनवॉइस क्रिएटेड बाय यू इज मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक वी डोंट केयर अंटिल एंड अनलेस यू रिपोर्ट इट टू अस। तो रिपोर्टिंग जरूरी थी वहां पर भी, यहां पर भी। वहां पर रिपोर्टिंग करवाई गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाकर जिसका नाम था einvoice1.gst.gov.in, खोलकर भी बताई थी मैंने आप लोगों को, वो ई इनवॉइस पोर्टल था। नहीं बताई थी खोलकर तो आज खोल के बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। तो ई इनवॉइस का पोर्टल अलग है। देखो मैं यहां से आपको अगर थोड़ा ऊपर ले जाकर साइड में ले जाकर पहले अगर आपको बताऊं तो साहब पोर्टल्स की बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से आप लोगों के क्लियर हो सके। किसकी बात कर लेते हैं? पोर्टल्स की। साहब सरकार के एक नहीं 3 पोर्टल है, पहले तो इस बात को समझो तुम, एक नहीं 3 पोर्टल है।
एक जिसको बोलते हैं कॉमन पोर्टल, एक जिसको बोलते हैं कॉमन पोर्टल, जो आपको अगर याद हो तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर हमारे पास में डिफाइंड भी है, कॉमन पोर्टल की डेफिनेशन भी दे रखी है सेक्शन 2 के अंदर, वो है आपका जो मेन पोर्टल है बेटा gst.gov.in। यहां आपकी फाइल होते हैं रिटर्न्स, यहां आपकी फाइल होती है अपील्स, अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, सारा प्रोसेस जो होता है कॉमन पोर्टल पर होता है gst.gov.in, जिसे इन्फोसिस ने बनाया। और इन्फोसिस से किसने बनवाया? GSTN, याद करो चैप्टर 1 में पढ़ाया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, एक सेक्शन 8 कंपनी, नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी लॉ आपने पढ़ रखा है। तो एक नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाई गई सेक्शन 8 में, और उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप इस पोर्टल को डेवलप करेंगे। ये हमारा कौन सा पोर्टल है बेटा? कॉमन पोर्टल। इसके बाद दूसरा पोर्टल होता है बेटा जिसे बोलते हैं ई वे बिल पोर्टल। ई वे बिल का पोर्टल अलग है, क्या बात करो सर, इसकी वेबसाइट अलग है? हाँ जी साहब, इसकी वेबसाइट अलग है, ई वे बिल पोर्टल अलग है। और ये कौन सा पोर्टल है साहब? ये है, बोलो, ई वे बिल gst.gov.in, ई वे बिल gst.gov.in, gst. बोलो gov.in, सर यहाँ पर डॉट नहीं है ना? नहीं, कंटिन्यू है, ई वे बिल जीएसटी कंटिन्यू है। आप चाहो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये रही बेटा वेबसाइट ewebillgst.gov.in, ऊपर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा देखो, ये वेब एड्रेस दिखाई दे रहा है, ये सेलेक्ट करा मैंने ऊपर, देखो सबसे ऊपर ewebillgst.gov.in, ये है सब आपकी किसकी वेबसाइट? ewebill की वेबसाइट। सर इसको किसने बनाया बेटा? इसको बनाया NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इसको NIC ने बनाया। और इसी तरीके से बेटा आपके पास में है ई इनवॉइस का पोर्टल अलग है मेरे दोस्त, ई इनवॉइस का पोर्टल है आपके, एक नहीं 10 पोर्टल है, मैं सिर्फ एक का नाम लिख रहा हूं, ई इनवॉइस 1.gst.gov.in। और मैंने बोला था भाई साहब ये पोर्टल अलग नहीं है, याद करो मैंने बहुत टेक्निकली समझाया था, और मैंने बोला था ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सब डोमेन। अरे बोलो, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सब डोमेन। हमारा जो मेन कॉमन पोर्टल है ये वाला gst.gov.in, इसी के ऊपर इन्होंने एक और सब डोमेन बनाकर एक पोर्टल अलग से बना दिया, उसका नाम रख दिया e-invoice 1, e-invoice 2, e-invoice 3। सर खोल के बताओ, लो साहब वो भी आपके लिए खोल देते हैं, e-invoice 1.gst.gov.in, ये लो साहब आपके लिए हमने खोलने की कोशिश करी, ये लो खुल गया साहब आपके पास में। ये कौन सा पोर्टल है बेटा? ये e-invoice का पोर्टल है। इसका पोर्टल है e-invoice। देखो यहाँ पर, ये देखो रजिस्ट्रेशन का दे रखा है, तो यहाँ पर हम जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, ये देखो पोर्टल लॉग इन, e-invoice अनेबलमेंट, ऐसे करके आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ से आप लॉग इन करके ई इनवॉइस बनाएंगे, मतलब कि अपने सिस्टम पे अपलोड करेंगे INV01 को। तो यहाँ पर सारे के सारे वो फीचर्स आपको, ये देखो ये आ गया कि अगर आपको ई इनवॉइस सिस्टम में लॉग इन करना है तो लॉग इन कैसे होगा, आपको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, वो सब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये छोटी मोटी चीज नहीं है साहब, ये एप्लीकेबल होता है 50 करोड़ से ऊपर। कहाँ एप्लीकेबल होता है बोलो? 50 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी को ही इस वाले पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराकर ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। आई होप अब आपको मुद्दा समझ में आया होगा कि साहब रिपोर्टिंग जो शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूं, तो रिपोर्टिंग तीन तरह से तीन अलग अलग जगहों पर होती है जीएसटी के अंदर। हमने जो रिपोर्टिंग समझा सबसे पहले वो था ई इनवॉइस की रिपोर्टिंग, वो थी ये वाली बेटा ई इनवॉइस की रिपोर्टिंग, ये मैंने अभी तक आपको समझाई है। जो मैं बार बार रिटर्न की बात करता हूं, GSTR 1, GSTR 3B बार बार करता हूं कि नहीं करता हूं? हाँ, वो सारा कार्यक्रम यह होगा बेटा कॉमन पोर्टल के ऊपर, वो अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं है क्योंकि अभी तक अपने रिटर्न चैप्टर नहीं पढ़ा। रिटर्न चैप्टर अपन सबसे एंड में पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको रिटर्न भर के भी दिखाऊंगा, रिटर्न के अंदर कौन कौन सी टेबल्स होती है, GSTR 1 क्या होता है, 3B क्या होता है, सब प्रैक्टिकली देखेंगे, वो मैं आपको इसी कॉमन पोर्टल पर दिखाऊंगा, gst.gov.in पर दिखाऊंगा। लेकिन अभी इस वक्त जो चैप्टर हमारा चालू हुआ है साहब, वहां मुझे आपको इस पोर्टल से रूबरू करवाना है, इस पोर्टल से आपकी जानकारी बढ़वानी है, दैट इज योर ई वे बिल पोर्टल। तो मुद्दे की बात यह है कि रिपोर्टिंग, जब रिटर्न भरते वक्त हम हमारा डेटा रिपोर्ट करेंगे, कितना माल बेचा, कितना टैक्स बना और फिर उस टैक्स का पेमेंट करेंगे, तो वो इस वाले पोर्टल से करेंगे। जब बात होगी ई इनवॉइस बनाने की, तो वहां जो रिपोर्टिंग होगी वो उस वाले पोर्टल पे होगी। और अभी जो हम सीखने जा रहे हैं साहब ई वे बिल मूवमेंट की रिपोर्टिंग, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी जने, मूवमेंट की रिपोर्टिंग, वो हम कहां सीखने वाले हैं? वो हम ई वे बिल का जो पोर्टल है वहां से सीखने वाले हैं, और वो रिपोर्टिंग वहां पर होकर चलेगी। तो समझो कि तीन जगह जीएसटी के अंदर रिपोर्टिंग होती है, ई इनवॉइस की रिपोर्टिंग अलग, ई वे बिल की अलग, और कॉमन पोर्टल की अलग रिपोर्टिंग होती है। मतलब गवर्नमेंट को एक बार अगर बेटा गवर्नमेंट की जानकारी में कोई चीज आपने डाल दी तो वो वहां पर सेव हो जाती है, डिलीट नहीं कर सकते, उसके बाद तुम चोरी बाड़ा नहीं कर सकते, तुमने गवर्नमेंट को बता दिया। और गवर्नमेंट यही चाहती है कि इस देश की हर एक सड़क पर जो माल इधर से उधर जा रहा है उसकी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए, ताकि रास्ते में अगर गाड़ी रुकवाई जाए पुलिस के द्वारा, RTI के ऑफिसर्स के द्वारा, GST के ऑफिसर्स के द्वारा, तो पता चल जाए साहब कि ये गाड़ी का मूवमेंट पहले से हमें बताया गया था कि नहीं बताया गया था। मांगेंगे ड्राइवर से ई वे बिल, प्रिंट आउट होना चाहिए ड्राइवर के पास में ई वे बिल का, ड्राइवर दिखाएगा कि साहब ये देखो, ये मूवमेंट रवाना होने से पहले, ये मूवमेंट चालू होने से पहले
जब ये गाड़ी गोदाम से निकली थी, ऑफिस से निकली थी, दफ्तर से निकली थी, फैक्ट्री से निकली थी, उससे पहले हमने ईवे बिल बनाकर गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कर दी थी कि हम इस गाड़ी के नंबर के अंदर हमारा माल भेज रहे हैं, ताकि पूरे रूट पर 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मैं तो कहता हूं साहब 500, 600, 800 किलोमीटर भी अगर गाड़ी चल रही है तो रिपोर्टिंग हो रही है। तो कहीं पर भी अगर इस पूरी जर्नी के दौरान गाड़ी को रोका जाता है तो हमारे पास में सबूत है साहब, सबूत है। और वही सबूत कि आपने गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कर दी है इस मूवमेंट की, ईवे बिल आपको देखा चलता है। अब समझते हैं साहब कि ये रिपोर्टिंग होगी कैसे। अरे बोलो मेरे साथ, रिपोर्टिंग होगी कैसे? तो हमने देखा कि वहां पर हमें एक फॉर्मेट दिया गया था। हमने क्या देखा कि वहां पर हमें एक फॉर्मेट दिया गया था साहब, और वो था INV01। क्या था? INV01। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी दोस्त आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, EWB01। EWB01 वहां पर कौन सा फॉर्मेट था बोलो मेरे साथ? INV01 स्कीमा, याद करो मैंने बोला था ई इनवॉइस स्कीमा, वैसे ही ईवे बिल स्कीमा हमें कहां मिलता है? EWB01 में मिलता है। और बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है साहब, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकली बनवाऊंगा ईवे बिल 01, जो EWB01 फॉर्म है ना, ये हम बनाएंगे। इसके दो पार्ट है, कितने पार्ट है? दो पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। कितने पार्ट है दोस्त? पार्ट ए पार्ट बी। अब पार्ट ए में क्या आता है, पार्ट बी में क्या आता है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी मुद्दे की बात यह है कि आपने बोला सर कि गुड्स का मूवमेंट, आपने क्या बोला? गुड्स का मूवमेंट। मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको ये बता दिया कि मूवमेंट की रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग किस फॉर्मेट में होगी? EWB01 नंबर का एक फॉर्म होगा, फॉर्म जैसे INV01 भी फॉर्म था। उस फॉर्म में कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। फॉर्म के बोलो कितने पार्ट? फॉर्म के दो पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी। बस यहां छोड़ रहा हूं। अब क्या पार्ट ए में आएगा, पार्ट बी में आएगा, अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद। पहले मुझे ये बताओ कि मैंने क्या बोला। मैंने आपके सामने दो शब्द रखे बेटा, गुड्स प्लस मूवमेंट। मैंने बोला गुड्स प्लस मूवमेंट, गुड्स का करना है मूवमेंट। ओके सर, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लेके जाना है। अच्छा, अगर गुड्स का मूवमेंट हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया साहब? रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बोलो? रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मेरा पहला सवाल आप सभी से, मेरा पहला सवाल आप सभी से, मैं मम्मी के साथ मार्केट में सब्जी लेने गया, वेजिटेबल्स, मम्मी के साथ, माँ के साथ क्या लेने गया? वेजिटेबल्स लेने गया। गाड़ी में रख ली, अब वापिस आ रहा हूं, तो वेजिटेबल्स गुड्स है क्या बोलो? मना तो तुम कर ही नहीं सकते साहब, मूवेबल, सेक्शन 2 क्लॉज 52 गुड्स की डेफिनेशन, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव्ड एज सच, चैप्टर नंबर 2, याद करो। हाँ जी सर, बात तो सही है, वेजिटेबल तो गुड्स है। तो भाई साहब अब देखो, सब्जी खरीद के घर पे ला रहा हूं, गवर्नमेंट को बताओ, मतलब अगर मैं मार्केट में जाकर सब्जी खरीद के अपने घर लेकर आ रहा हूं तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? अरे इधर देख लो, क्या गुड्स का मूवमेंट हो रहा है क्या? हाँ सर, दोनों कंडीशन, गुड्स भी है मूवमेंट भी है, करो रिपोर्टिंग। सवाल उठता है कि क्या मुझे इतनी छोटी सी चीज की रिपोर्टिंग करनी जरूरी है? मतलब सब्जी भी लेकर आऊं तो गवर्नमेंट को बताऊं। मेरा दूसरा सवाल कि साहब मेडिसिन लेकर घर आ रहा हूं, दवाई लेने गया था, दवाई लेकर घर आ रहा हूं, गवर्नमेंट को बताऊं। मेरा तीसरा सवाल स्टेशनरी। मेरा चौथा सवाल मोबाइल फोन, सैमसंग का मोबाइल फोन है, 25,000 रुपए का मोबाइल है, सैमसंग गैलेक्सी, कोई सा भी वर्जन तुम ले लो जो तुम्हें पसंद हो, मैं खरीद के अपने घर ला रहा हूं। अब मैं मोबाइल खरीदने गया, सब्जी खरीदने गया, स्टेशनरी का आइटम खरीदने गया मेरे ऑफिस के लिए, या फिर मैं क्या खरीदने गया बेटा? मेडिसिन खरीदने गया, दवाइयां खरीदने गया। साहब बीमार पड़ गया कोई, मेरा दोस्त बीमार पड़ गया, उसके घर मेरे को दवाई देने जाना है, तो तुम तो बोलोगे साहब गुड्स है मूवमेंट है, मोबाइल भी गुड्स है मूवमेंट है। अब इतनी छोटी छोटी चीजों की क्या मैं गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग, क्या इसके लिए पहले मैं वेबसाइट खोलूं, पहले फॉर्मेट भरूं, फिर प्रिंट निकालूं और फिर घर आऊं अपने? क्या ये समझदारी है क्या नहीं है? सर ये तो मूर्खता है, और गवर्नमेंट भी ये बात जानती है, ये तो बेवकूफी है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद परेशान हो जाएगी। साहब एक आदमी एक दिन में मार्केट में कितनी बार जाता है? 135 करोड़ की पॉपुलेशन है आपके पास में, गवर्नमेंट के पास में इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग हो जाएगी, गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहली बात क्या बोल दी पता है आपको? गवर्नमेंट ने सबसे पहली बात बोल दी यार चिंदी चोरी मत करो, ये छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान मत करो। वैल्यू बता दी साहब, वैल्यू 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, 50,000 से बोलो क्या होना चाहिए? ज्यादा। अरे भैया अगर कंसाइनमेंट वैल्यू, क्या वर्ड यूज करा, कंसाइनमेंट वैल्यू अगर आपकी 50,000 से ज्यादा है, बोलो कौन सी वैल्यू? कंसाइनमेंट वैल्यू, यानी जिस भी गुड्स को आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा रहे हो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। सीपीटी या फाउंडेशन में अपने अकाउंट्स के अंदर कंसाइनमेंट चैप्टर भी पढ़ा होगा, अकाउंट्स में आता है मुझे ध्यान है। तो भैया वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए बोलो? 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमें बताना, वरना हमें मत बताना, परेशान मत करो यार। अब मुझे बताओ सब्जियां क्या 50,000 की खरीद लोगे? क्या 50,000 की सब्जी खरीद लोगे? क्या 50,000 का मोबाइल खरीदा था? नहीं सर, मैंने बताया था गैलेक्सी का मोबाइल है, 25,000 का मोबाइल है। क्या 50,000 की दवाइयां खरीद लोगे? या फिर क्या 50,000 का तुमने क्या खरीदा था? और स्टेशनरी का आइटम 50,000 का खरीद लोगे क्या? नहीं सर। लेकिन बाय चांस अगर तुमने वाकई में 50,000 से ऊपर का खरीद लिया दोस्त, तो क्या होगा?
वो एक क्वेश्चन अराइज होता है जिसका बहुत ही जल्द हम जवाब जानेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने जितने भी आइटम तुम्हें बताए कि साहब सब्जी खरीदा हो, मोबाइल खरीदा हो, मेडिसिन खरीदी हो, कुछ भी खरीदा हो, 50,000 से नीचे का खरीदा है तो तुम्हें गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बात वहीं खत्म हो जाती है। मेरा अगला सवाल आप सभी से यह है कि मैंने फ्रिज खरीदा साहब, रेफ्रिजरेटर, क्या खरीद रहा हूं मैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अभी जो रेफ्रिजरेटर मैंने खरीदा है कितने का है साहब, 52,000 का मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा है। लेकिन बेटा ठेला गाड़ी होती है, ठेला गाड़ी जिसके अंदर नीचे चार टायर होते हैं, उन्हें कितने टायर होते हैं, चार टायर होते हैं, लकड़ी का ढांचा होता है, इसके ऊपर रेफ्रिजरेटर को रखा और एक अंकल जी यहां से धक्का लगा रहे हैं, एक अंकल जी यहां से धक्का लगा रहे हैं और मेरे घर ला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर गुड्स है क्या? जवाब है हाँ। क्या रेफ्रिजरेटर गुड्स है? द आंसर इज यस, रेफ्रिजरेटर गुड्स है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। 52,000 का खरीदा है साहब, 50,000 से ऊपर है इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स जोड़ने के बाद मेरे को कितने का पड़ा, 52,000 का पड़ा। ठेला गाड़ी के ऊपर ये अब अंकल जी जो है वो धक्का देकर इस रेफ्रिजरेटर को धीरे धीरे ठेला गाड़ी के ऊपर मेरे घर पर लेकर आ रहे हैं। सवाल क्या उठ रहा है, क्या इसकी अब रिपोर्टिंग रिक्वायर नहीं हो जाती? आपने बोला साहब 50,000 से ऊपर, आपने बोला ना 50,000 से ऊपर अगर है तो रिपोर्टिंग करो, तो गवर्नमेंट ने बोला साहब 50,000 से ऊपर तो हो गया, सामान तो बड़ा हो गया, लेकिन आप क्योंकि इसे नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से मूव करा रहे हो, किससे मूव करा रहे हो, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल साहब, हमें नहीं जानना, छोटे लोग गरीब लोग अगर दो पैसे कमा रहे हैं हम उसमें आपकी आफत नहीं बनेंगे कि ई वे बिल बनाओ। अब ठेले वाला अंकल है उसको क्यों परेशान करना था कि कागज पकड़, वो कहेगा मैं एक तो यार तुम्हारे लिए ये लेकर आ रहा हूँ, अब उसके साथ में मैं कागजों का भी ध्यान रखूँ कि रास्ते में कोई ठेला रुकवा लेगा पुलिस वाला तो कागज दिखाना पड़ेगा कि साहब 52,000 से ऊपर का, फालतू की झंझट नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल मतलब बेटा तुम्हारी साइकिल, बाईसाइकिल, रिक्शा गाड़ी, ठेला गाड़ी, अरे जिसमें मोटर नहीं लगी रहती सर, इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक वाली, हाँ वो आएगी, उसमें मोटर होती है बेटा, मोटर होती तो भले इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हो, चाहे पेट्रोल से चल रही हो, चाहे डीजल से चल रही हो, अगर आपके पास मोटर लगी हुई है तो वो मोटराइज्ड व्हीकल कहलाएगी। बोलो समझा कि नहीं समझा मामला? हाँ जी सर, ये मामला भी समझ में आ गया। सबसे पहली चीज, पहली कंडीशन जो मैंने तुम्हारे सामने रखकर तुम्हें क्लियर करके दी वो थी कि कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी चीज जो अब मैं समझाई तुम्हें वो क्या समझाई कि साहब नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के केस में भी बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूं, इसके बाद तो साहब तुम्हारी आंखें ही खुल जाएंगी, योर आईज विल गोना ओपन आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन। सर क्या क्वेश्चन है बताओ? बेटा मैंने वापस लिखना है एक बार, गुड्स प्लस मूवमेंट, लिखने दो यार मुझे गुड्स प्लस मूवमेंट। मुझे एक बात आओ, जो कपड़े तुम पहनते हो, जो जूते तुम पहनते हो, जो एसेसरीज तुम पहनते हो, बेल्ट, बकल्स, ब्रेसलेट्स, जो मोबाइल फोन तुम तुम्हारी जेब में रखते हो और जो साथ में लैपटॉप तुम अपने साथ में रखते हो, इन सबकी वैल्यू मिलाकर 50,000 से ऊपर होती है कि नहीं होती है बताओ? हाँ जी सर, 50,000 से ऊपर होती है। यानी कि अगर मैं एमएम सर, यानी कि अगर मैं एमएम सर किसी को ट्रेनिंग देने जा रहा है जीएसटी की, एमएम सर जा रहे हैं क्या देने बेटा, ट्रेनिंग देने जा रहे हैं जीएसटी की, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को मेरे को जीएसटी की ट्रेनिंग देनी है, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर्स, स्टेट टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, हम जीएसटी की ट्रेनिंग देते हैं। दूसरे शहर में मुझे बुलाया है, हम कहां रहते हैं साहब, अजमेर डिस्ट्रिक्ट ब्यावर, कहां जाना है, जयपुर, जयपुर में नेसिन का ऑफिस है, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, उन्होंने बुलाया साहब ट्रेनिंग देनी है। मैंने कहा ठीक है दे देंगे साहब, काम ही है हमारा, तो मैंने मेरा लैपटॉप ले लिया, आईपैड ले लिया, राइटिंग पैड ले लिया और जो भी कैमरा वगैरह है वो सब ले लिया, मैं तैयार हो गया बिल्कुल सूट वूट पहन के बढ़िया एकदम और सुबह रवाना हो गया। मुझे बताओ कि जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं, ये जो लैपटॉप मैंने ले रखा है, ये जो आईपैड या फिर राइटिंग पैड या फिर जो भी चीजें कैमरा वैमरा मैंने ले रखा है साहब, मेरा कैमरा 50,000 से ऊपर का है, अकेला अकेला कैमरा ही 50,000 से ऊपर का है, तो तुम सोचो कि टोटल वैल्यू तो 50,000 से एक्सीड कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? हाँ कर जाएगी। और जिस गाड़ी में, जिस कार में या जिस स्कूटर पे या जिस पे भी मैं जा रहा हूं वो भी 50,000 से ऊपर का ही होगा। हाँ जी सर, वो भी 50,000 से ऊपर का ही होगा। तो मुझे बताओ कि वो गुड्स नहीं है क्या, ये सब जो तुम साथ में ले जा रहे हो ये गुड्स नहीं है क्या? तुम्हारी गाड़ी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वो गुड्स नहीं है? जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वो गुड्स नहीं है? और क्या उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है? सर ये तो लफड़ा हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब अगर हम मार्केट भी कपड़े पहनकर गाड़ी लेकर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो मूवमेंट तो ये भी है, मतलब कपड़ों का तो हमेशा ही मूवमेंट हो रहा है, जिस इंसान ने भी कपड़े पहन रखे हैं मूवमेंट हो रहा है। हाँ मुद्दे की बात यह कि कपड़े 50,000 से ऊपर के होने चाहिए साहब, क्योंकि 50,000 की लिमिट तो मैंने लगा रखी, साथ में लैपटॉप भी है, लैपटॉप 50,000 से ऊपर का। तो मुद्दे की बात क्या बन रही है? मुद्दे की बात ये बन रही है साहब कि जो भी रोजमर्रा के अंदर जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उनको भी तो गुड्स ही कहेंगे और उनका भी तो मूवमेंट हो रहा है, तो अगर उनकी 50,000 से ऊपर वैल्यू है तो इसका मतलब तो ये हुआ साहब कि आपने उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है। मतलब अगर मैं जयपुर ट्रेनिंग लेने जा रहा हूं, इतना सारा सामान साथ में लेकर,
मेरे कपड़े वपड़े मैंने पहन रखे, बढ़िया सूट वूट पहन रखा है मैंने, रेमंड्स वगैरह का 50,000 से ऊपर वैल्यू निकल रही है, तो रिपोर्टिंग करो, ईवी बिल बनाना पड़ेगा क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा, भाई साहब पागल हो गए क्या? पागल तो नहीं हो गए, गवर्नमेंट ने कहा कि हम पागल नहीं है जो हर चीज की रिपोर्टिंग करवाएंगे। और सोचो कि इस वक्त जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा, दुनिया में कितनी सारी व्हीकल्स, गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही होंगी, और हर गाड़ी 50,000 से ऊपर की होगी। आज की तारीख में एक्टिवा बेटा 50,000 से ऊपर से आती है, आपके 80-90 हज़ार की आती है एक्टिवा, 5G 6G जो भी मॉडल है। अब आप सोच के देखो कि जब एक नॉर्मल व्हीकल टू व्हीलर आपके पास में 50,000 से ऊपर की है, तो बेटा अगर मैं कार्स की बात करूं तो कोई लिमिट ही नहीं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख सारी की सारी कारें 50,000 से ऊपर, नैनो भी 50,000 से ऊपर की है यार। अब तुम सोचे देखो कि जो कारें इतनी सारी एक टाइम पर ट्रेवल कर रही हैं इस दुनिया में, इंडिया की बात कर रहा हूं, तो क्या उन सबके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी जरूरी है? क्योंकि वो सब गुड्स हैं और सबका मूवमेंट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कॉन्सेप्ट को समझो, हमारी नीतिमत्ता क्या है? हमारी नीतिमत्ता है, गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो है ये पता करना कि टैक्स पे हुआ कि नहीं हुआ। और टैक्स पे होता है बेटा न्यूली परचेज्ड आइटम पर, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, न्यूली परचेज्ड आइटम। गवर्नमेंट चाहती है कि जो नया माल तुमने खरीदा, जो नया सामान तुमने खरीदा है, नया सामान जो नई परचेज तुमने करी है जिसपे तुमने जीएसटी देना था साहब, उसका अगर मूवमेंट हो रहा है, उसका अगर मूवमेंट हो रहा है तो हमें बताओ। वहां गवर्नमेंट कह रही है यस वी नीड रिपोर्टिंग, अगर वो 50,000 से ऊपर का है और उसका मूवमेंट हो रहा है वो हमें बताओ। गवर्नमेंट का यहां पर बेटा फोकस, कैमरे का फोकस किस पर है? फोकस है न्यूली पर। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बेटा इस ईवी बिल के अंदर, अभी थोड़ी देर बाद ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा, एक लिस्ट बना दी, एक्सक्लूजन लिस्ट। कौन सी लिस्ट? एक्सक्लूजन की एक लिस्ट बना दी और उसमें लिख दिया, साहब लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें से एक आइटम बता रहा हूं, उसमें लिख दिया यूज्ड पर्सनल एंड हाउसहोल्ड इफेक्ट। क्या लिख दिया? यूज्ड पर्सनल एंड हाउसहोल्ड, हाउस HOUSE होल्ड, हाउसहोल्ड इफेक्ट। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया साहब कि जितना भी तुमने घर का सामान है जो तुम रोजमर्रा में यूज करते हो, जितना भी तुम्हारा पर्सनल आइटम है, उसके रेस्पेक्ट में ईवी बिल बनाने की जरूरत नहीं है, उसे एक बार में बाहर निकाल दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल एक और देता हूं, मैं एक कंपनी में एम्प्लॉई हूं, नौकर, कंपनी में नौकरी करता हूं, कंपनी ने मेरा ट्रांसफर कर दिया दूसरे शहर में, तो बेटा मैं क्या करूंगा? शिफ्ट करूंगा। हाँ जी सर, शिफ्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो जितना भी मेरा घर का सामान है मैं सारा का सारा ट्रक में लोड कर एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करूंगा, तो वो जो ट्रक जा रहा है जिसमें मेरे घर का सामान है और मैं भी बैठा हुआ हूं, क्या उसके रेस्पेक्ट में मुझे गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है? क्या मुझे ईवी बिल बनाना है? द आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर सारा का सारा सामान जो जा रहा है उसे ट्रक में लोड होकर बेटा वो मेरा यूज्ड पर्सनल और हाउसहोल्ड इफेक्ट है। यूज्ड आइटम को, ये जो कारें तुम रोजमर्रा चला रहे हो, ये जो कपड़े तुम रोजमर्रा पहन रहे हो, ये जो मोबाइल तुम रोजमर्रा यूज कर रहे हो, जो लैपटॉप में लेकर ट्रेनिंग देने जा रहा था, सबका सब यूज्ड है भाई, नया नया थोड़ी ना खरीदा है, नया थोड़ी ना खरीदा है, ये सब कुछ यूज्ड है। तो क्या इसके रेस्पेक्ट में रिपोर्टिंग करनी है? द आंसर इज नो। क्या सीख लिया अभी तक? फटाफट से बताओगे सब जने मुझे, क्या सीख लिया साहब? पहली चीज जो सीखी वो क्या सीखी? 50,000 से नीचे के रेस्पेक्ट में रिपोर्टिंग करनी ही नहीं है, चाहे कितना भी मूवमेंट हो रहा हो। दूसरी चीज क्या सीखी बताओ फटाफट से, कि सर अगर नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से मूवमेंट हो रहा है तो भी रिपोर्टिंग नहीं करनी। और तीसरी चीज जो अभी अभी मैंने सिखाई, मैंने क्या सिखाई? अरे बोलो यार, यूज्ड पर्सनल एंड हाउसहोल्ड इफेक्ट्स के रेस्पेक्ट में भी रिपोर्टिंग नहीं करनी। यूज्ड मटेरियल जा रहा है, रिपोर्टिंग नहीं करनी। बैलगाड़ी से जा रहा है, हाथ की गाड़ी से जा रहा है, तांगा गाड़ी से जा रहा है, ठेले पे जा रहा है, रिपोर्टिंग नहीं करनी। 50,000 से नीचे रिपोर्टिंग नहीं करनी, बात करता हूं। यानी इससे इतना फिल्टर करने के बाद तुमको क्या समझ में आया? सर इतना फिल्टर करने के बाद हमको ये समझ में आया कि गवर्नमेंट चाहती है कि न्यू आइटम, न्यू नया आइटम जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और जो मोटराइज्ड व्हीकल में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वाह भाई वाह, लिख दूं क्या एक बार? हाँ जी सर, एक काम करो, एक बार लिख ही दो आप। तो साहब मैं लिख ही देता हूं कि कितने से ज्यादा का होना चाहिए? 50,000 से ज्यादा का होना चाहिए। तो न्यूली परचेस्ड प्लस कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स, यानी मोर देन 50,000 प्लस कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर है, प्लस तीसरी चीज मूवमेंट किससे होना चाहिए? मूवमेंट थ्रू मोटराइज्ड व्हीकल। तो साहब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो क्या ईवी बिल बनाना है अभी भी? हाँ या ना में जवाब नहीं दिया मैंने,
मैंने सिर्फ पूछा कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो साहब क्या ई वे बिल बनाना है, ये जानने के लिए, ये जानने के लिए बेटा आपको कानून का प्रावधान समझना पड़ेगा कि आखिर कानून में क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन द लॉ, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोविजन और व्हाट आर द एडिशनल कंडीशंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी तो सिर्फ तीन ही कंडीशन समझ में आई है साहब, अभी तो मैंने सिर्फ आपको तीन ही कंडीशन बताई है कि न्यूली परचेज होना चाहिए, 50,000 से ऊपर की वैल्यू का होना चाहिए और मोटराइज व्हीकल के थ्रू होना चाहिए। तो सिर्फ तीन कंडीशन है, क्या आगे सर और भी कोई कंडीशन है, क्या आगे और भी कोई बात बोली है, समझते हैं साहब, समझते हैं। रूल 138 वो रूल है बेटा जो बात करता है किसकी, ई वे बिल के रिगार्डिंग। तो आपको जो समझना है वो क्या समझना है, जो कानूनी प्रावधान दे रखा है कहां दे रखा है, जो अब मुझे पढ़ना है, जो अब मुझे समझना है कि आखिर रूल 138 में क्या लिखा हुआ है। तो याद होना चाहिए साहब, अगर कोई रास्ते में आज तुम्हें रोक ले तुम्हारा दोस्त रिलेटिव और तुम्हें बोले कि साहब ई वे बिल कहां बता रखा है जीएसटी में, तो तुम बोलोगे कि हमें सर ने बताया था रूल 138 इन इट्स कंप्लीट मैनर ई वे बिल की बात करके चलता है। रूल 138 में ही ई वे बिल के सारे प्रावधान प्रोविजंस दे रखे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, यहां तक तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया जा रहा है। अब सुनो मेरी बात को, रूल 138 ने क्या बोला, रूल 138 ने बोला द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट, क्या बोला, द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट, जो इंसान मूवमेंट करेगा, जो इंसान मूवमेंट करेगा, यानी कि कॉजेज बहुत बड़ा शब्द बेटा ये, जो भी इंसान मूवमेंट करा रहा है या कर रहा है, कॉज मतलब जिसके कारण से मूवमेंट हो रहा है, जो भी इंसान जिसके कारण से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और मजे की बात, द पर्सन की जगह बेटा इन्होंने क्या कर दिया, इस पर्सन के लिए कंडीशन लगा दी कि पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। यानी अगर मैं दो शब्दों में लिखूं, सिर्फ कितने शब्दों में, अगर मैं दो शब्दों में इसको डेल्ट आउट करूं तो लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन प्लस कॉजिंग मूवमेंट, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड इंसान मूवमेंट कॉज कर रहा है। तीन कंडीशन ऑलरेडी बता चुका हूं, ये चौथी कंडीशन बता दी कि जो इंसान मूवमेंट कर रहा है उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तुमने बोला ना सर आगे और भी कंडीशंस आएंगी, कि हाँ अब लगभग यूं समझ लो कि मैं रूल 138 स्टार्ट कर ही चुका हूं, 138 स्टार्ट कर दिया मैंने। और 138 में ही बेटा सब रूल नंबर 1 में साफ साफ क्या लिखा हुआ है, रूल 138 के सब रूल 1 में लिखा हुआ है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है ना, रजिस्टर्ड पर्सन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा साहब, आम आदमी की बात नहीं हो रही। अगर तुम किसी कंपनी में नौकरी करते हो और तुम घर पर रहते हो, कोई धंधा वंदा नहीं है, कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेक्शन 22 तुम पर नहीं लगता, 24 तुम पर नहीं लगता, तुम तो एक अनरजिस्टर्ड इंसान हो, तो क्या तुम पर सब रूल 1, देखो आगे की बात नहीं करी मैंने अभी तक, क्या तुम पे सब रूल 1 लग रहा है क्या? नहीं साहब, क्योंकि 138 के सब रूल 1 ने तो क्या बोल दिया, रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट, जो रजिस्टर्ड इंसान मूवमेंट का कारण बन रहा है। अब वो चाहे खुद मूवमेंट कर रहा हो, भाड़े की गाड़ी से मूवमेंट करवा रहा हो, पब्लिक कन्वेंस मतलब कि रेलवे से भेज रहा हो, एरोप्लेन से भेज रहा हो, रेलगाड़ी से भेज रहा हो, रोडवेज से भेज रहा हो, या फिर किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहा हो, GTA याद करो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रिवर्स चार्ज में पढ़कर आए थे साहब, रिवर्स चार्ज 13/2017। तो कहने का मतलब यह कि रजिस्टर्ड इंसान चाहे कैसे भी मूवमेंट करवा रहा हो, खुद कर रहा हो, ट्रांसपोर्टर से करवा रहा हो या पब्लिक कन्वेंस के थ्रू करवा रहा हो, कारण तो वही बन रहा है ना। हाँ सर, कारण तो मूवमेंट का कारण तो वही बन रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि साहब अगर ऐसा हो रहा है, प्लस आपकी वो तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है, 50,000 से ऊपर का माल है, मोटराइज्ड व्हीकल के थ्रू जा रहा है और न्यूली परचेस्ड यानी कि यूज्ड आइटम नहीं है, तो उस केस के अंदर ई वे बिल बनाना पड़ेगा। क्या बोल दिया, उस केस में उस इंसान को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन ई वे बिल बनाने के लिए उसे सिर्फ पता हूं क्या करना है, सिर्फ पार्ट ए भरकर रखना है। बेटा एक एक बात को अब बहुत ध्यान से सुनना चालू कर देना, क्योंकि अब लगभग हम किस पे आ रहे हैं, जो इंटीग्रल पार्ट है, जो कोर पार्ट है, जो असली टेक्निक है जो मुझे आपको समझानी है, अब उस पर आ रहे हैं। तो प्लीज आप अपने फुल अटेंशन और फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनकर चलेंगे। क्या बोला मैंने, तीन कंडीशन बताई, हाँ सर, चौथी कंडीशन बताई, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, और अब बता रहा हूं कि इसको ई वे बिल बनाना है। लेकिन ई वे बिल बनाने के लिए इसको सिर्फ क्या करना है, पार्ट ए में अपनी इंफॉर्मेशन को फर्निश करना है, पार्ट बी इसको बनाना है कि नहीं बनाना है बाद की बात, लेकिन सब रूल 1 के हिसाब से। क्या बोला मैंने, सब रूल 1, रूल कौन सा है, 138, इसको ऐसे लिखेंगे ना, हाँ सर, तो रूल 138 और सब रूल 1 के हिसाब से क्या करना है, पार्ट ए भरना है।
मैंने बताया था ना आपको दो पार्ट होते हैं ईवे बिल के अंदर। हाँ सर, आपने बताया था EWB01 के दो पार्ट होते हैं। सर दिखाइए हमें, देखो मैंने ऊपर जब शुरुआत करी थी तो मैंने बोला था कि बहुत जल्द पार्ट ए पार्ट बी को मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन मैंने उस समय तुम्हें एक बात बताई थी और वो ये बताई थी, ये देखो ये रहा, EWB01 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और अभी उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर बात करके चल रहा हूँ। ओके सर, और आपने बता दिया सर कि पार्ट ए कौन बनाएगा, द पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट। अब मुझे बताओ साहब, मैं तो कहता हूँ लड़ाई 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 माफ करो और गांधी जी को याद करो, कॉजिंग द मूवमेंट। यार मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगा के मेरे दोस्त, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कितने जनों के बीच में होगा? दो जनों के बीच में होगा ना बेटा, भाई कॉमन सेंस की बात है ना। एग्जाम्पल ले लें। हाँ सर एग्जाम्पल ले लो। मैंने कहा जी साहब मिस्टर ए और मैंने कहा जी साहब मिस्टर बी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा जी मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए कहाँ के हैं? सर मिस्टर ए है दिल्ली के और मिस्टर बी है महाराष्ट्र के। मिस्टर ए दिल्ली, मिस्टर बी महाराष्ट्र। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड कर दिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या कर दिया? गुड्स सोल्ड कर दिया। मुझे बहुत ही आसान शब्दों में जवाब दे दो यार कि इस सिचुएशन के अंदर ही छोटा सा बेटा मैंने ट्रांजेक्शन क्रिएट करा है, बहुत छोटा सा, इसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बहुत सिंपल सी बात बोली है साहब। एक आदमी ने दूसरे आदमी को माल बेचा है, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बोला। तो तुम सोच के देखो कि इस सिचुएशन के अंदर सर कलर का, अब है ना कोई दूसरा कलर लो सर आप। मैंने कहा सर ठीक है ये वाला ले लें। हाँ जी सर ये वाला ले लो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा है, मुझे बताओ इस ट्रांजेक्शन के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं? यार दो ही तो लोग हैं यार, किसी भी ट्रांजेक्शन में दो ही लोग होते हैं और वही दो लोग मूवमेंट कर सकते हैं, तीसरा कहां से आ जाएगा भाई? तुमको सोच के देखो ना। अरे यार तुमने अगर किसी से माल खरीदा तो क्या मैं बीच में पहुंच जाऊंगा क्या मूवमेंट कराने के लिए? अरे मैं कहां से पहुंचूंगा? या तो तू मंगवाएगा या तो वो भेजेगा भाई, या तो मिस्टर ए भेजेगा या मिस्टर बी मंगवाएगा, यही तो पॉसिबल है, तीसरी कोई चीज पॉसिबल ही नहीं, तीसरा कोई आदमी पॉसिबल ही नहीं। तो ये जो बार बार बोल रहे हैं कि साहब रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट, रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट, तो भैया रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट दो जने ही हो सकते हैं, या तो मिस्टर ए होगा या फिर मिस्टर बी होगा। केस नंबर वन शुरुआत हो गई सब आपकी। केस फर्स्ट, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक के बाद एक मजा आने वाला है, आप मेरी बात को बस सुनते चले जाओ। केस नंबर फर्स्ट, दो मिनट के लिए अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया बेटा, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये जो अभी अपन ने ट्रांजेक्शन बनाया था ना दिल्ली और महाराष्ट्र वाला, हाँ सर इसमें मिस्टर ए भी था और मिस्टर बी भी था, मैं मान रहा हूं कि दोनों जने रजिस्टर्ड हैं, बोथ आर रजिस्टर्ड, बोथ आर रजिस्टर्ड। क्या लिख दिया मैंने? मैंने लिख दिया साहब बोथ आर रजिस्टर्ड। एक लाइन खींच दूं? हाँ जी सर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक काम करता हूं एक को लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये लो साहब मैंने एक को लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज सप्लायर और रेसिपिएंट, आर ई सी आई पी आई ई एन टी, मूवमेंट पार्ट ए और पार्ट बी। मुझे बताओ हर केस के अंदर, अभी केस के अंदर सब केस बना रहा हूं मैं, केस नंबर तो फर्स्ट है, इसके अंदर पहली बात अगर मैं कहूं कि मूवमेंट कर रहा है सब, चलो मुझे बताओ सबसे पहले सप्लायर कौन है? सर सप्लायर ए है और रेसिपिएंट बी है, ये तो हमेशा ये रहेगा साहब, कोई सा भी केस बना लो आप सप्लायर ए ही रहेगा रेसिपिएंट बी रहेगा, क्योंकि रेसिपिएंट पैसे दे रहा है, द पर्सन हु पेज द कंसीडरेशन, याद करो द पर्सन हु पेज द कंसीडरेशन। हाँ जी सर बात तो सही है, यहां पर भी वही चीज लगेगी और यहां पर भी वही चीज लगेगी, सप्लायर ए ही होने वाला है और रेसिपिएंट बी ही होने वाला है। यहां तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ टफ बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक की बात बोली मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बाय चांस अगर मिस्टर ए ने माल बेचा बेटा और मिस्टर ए ही इसे भिजवा रहा है, हमने बोला ना द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट, द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट, तो कौन कॉज कर रहा है? मिस्टर ए कॉज कर रहा है। कैसे कर रहा है? मेरी बात को सुनो, या तो वो अपनी खुद की गाड़ी से लेके जाएगा ऑन कन्वेंस, क्या बोला? ऑन कन्वेंस, या फिर वो पब्लिक कन्वेंस या फिर हायर्ड वन। ऑन कन्वेंस, पब्लिक कन्वेंस, हायर्ड वन। ऑन मतलब खुद की गाड़ी, पब्लिक कन्वेंस में आता है आपके पास रोडवेज, रेलवेज या एयरवेज, या तो रोड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आपकी बस, आपका रेलवे और आपका एयरवे। और हायर्ड वन का मतलब होता है बेटा भाड़े की गाड़ी, भाड़े की गाड़ी में उसने कहीं और से कार अरेंज कर ली हो, टेम्पो ट्रेवलर अरेंज कर लिया हो, कोई ट्रक अरेंज कर लिया हो, वो भाड़ा। ट्रांसपोर्टर की बात नहीं कर रहा मैं, भाड़े में ट्रांसपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना ठीक है। हाँ जी सर मिस्टर ए भिजवा रहा है, तो तुम्हें एक बार समझ में आ गई सर कि यहाँ पर मिस्टर ए खुद मूवमेंट करवा रहा है, खुद ही माल बेच रहा है। प्रैक्टिकली 99% ऐसे ही होता है जिससे आप माल खरीदते हो बेटा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांजेक्शन हुआ हुआ होता है तो सप्लायर ही ट्रांसपोर्ट करवा देता है, ठीक है। हाँ जी सर, अब देखो सब रूल वन ने क्या बोला था मुझे बताओ, ऊपर मैंने तुम्हारे लिए लिखा भी था, अगर तुम्हें याद हो तो,
सर हाईलाइट कर दो, मैंने कहा जी साहब लो, हाईलाइट भी कर दिया। रूल 138 सब रूल 1 क्या बोला था, पर्सन कौन सा, रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेस द मूवमेंट, पार्ट ए बनाकर चलेगा, पार्ट ए बनाकर चलेगा, आपने तो बताया था। अब मुझे बता दो हमारे वाला केस जो हमने बनाया बेटा, यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, दोनों जने, दोनों जने, मूवमेंट कौन कॉज कर रहा है, मिस्टर ए। तो क्या मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन है, द आंसर इज यस। क्या मिस्टर ए मूवमेंट कर रहा है, द आंसर इज यस। पार्ट ए कौन बनाएगा, मिस्टर ए। बहुत बढ़िया जवाब, सभी बच्चों का दिल खुश कर देता, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अब सुनो आगे की कथा। आगे भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि दोस्तों रूल नंबर 138 के सब रूल 2 ने क्या बोला, सुनो आगे की बात। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, रूल नंबर 138 का सब रूल नंबर 1, रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट पार्ट ए बनाएगा, पार्ट ए में इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा मूवमेंट चालू होने से पहले, गाड़ी गोदाउन से निकलने से पहले, वेयर हाउस से निकलने से पहले, अपनी दुकान से निकलने से पहले आपको पार्ट ए बनाना है, उसके बाद गाड़ी रवाना होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके बाद आपको वो कागज जो प्रिंट आउट निकलेगा किसको पकड़ाना है, ड्राइवर को पकड़ाना है। तो पार्ट ए साहब पहले बनाओ, हमने कहा ठीक है, सबरूल वन की बात खत्म। अब आता है सबरूल टू, 138 का सबरूल टू, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला सबरूल टू ने, बोला कि अगर तुम खुद की गाड़ी से हायर्ड व्हीकल से जा रहे हो, अरे भैया भाड़े की गाड़ी ली है या खुद की गाड़ी ली है या पब्लिक कन्वेंस करा है, खुद ले जा रहे हो तो मुझे बताओ कि गाड़ी की डिटेल किसके पास में होगी। सर गाड़ी की डिटेल उसी के पास में होगी जो ले जा रहा है, गाड़ी की डिटेल उसी के पास में होगी जो ले जा रहा है। तो ठीक है, फिर उसको बोला कि भाई तू पार्ट बी भर दे, तेरे पास में गाड़ी की डिटेल है ना, तू पार्ट बी भर दे। सर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट बी में गाड़ी की डिटेल भरी जाती है, द आंसर इज यस। इसका मतलब यह हुआ कि पार्ट बी में गाड़ी की डिटेल भरी जाती है। और इसी के साथ अब मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए और पार्ट बी में क्या क्या भरा जाता है। तो दो मिनट के लिए हम हमारा जो केस हम बना रहे थे, जो प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे थे, दो मिनट के लिए उससे हटते हैं और ये समझते हैं बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के रूप में कि सर पार्ट ए में, और तुम बेफिक्र रहो मैंने क्या बोला, तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा प्रैक्टिकली वेबसाइट पर ले जाकर। सिर्फ दो मिनट के लिए थ्योरेटिकली पहले लॉ समझ लो, कानून समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिकल देख लेना। पार्ट ए और बोलो पार्ट बी। पार्ट ए में पता है बेटा क्या होता है, लॉजिक लगाओ, किससे भरवाया था, द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट, रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट, उसी से भरवाया था। तो बेटा उसके पास में कौन कौन सी जानकारी होगी, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उसके पास में जानकारी होगी कि नहीं होगी, और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मतलब जो माल बिका है, ए ने बी को बेचा है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ए के पास में होगी। ए के पास में खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम बोलते हैं GSTN, GSTIN, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। मिस्टर बी का होगा कि नहीं होगा, होगा। खुद का एड्रेस होगा कि नहीं होगा, होगा। मिस्टर बी का एड्रेस होगा कि नहीं होगा, होगा। इनवॉइस नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। जो माल बेचा है उसकी डिटेल होगी कि नहीं होगी, होगी। अरे मिस्टर ने खुद ने बेचा, उसको तो पता होगा ना उसने क्या बेचा है, उसकी क्या वैल्यू है, उस पर क्या टैक्स का रेट लगा है। सर एक तरीके से ये तो पूरी की पूरी जानकारी बताने वाली बात हो गई। हाँ जब तुम मूवमेंट करा रहे हो तो ईवे बिल के अंदर तुम्हें सब कुछ बताना पड़ जाएगा, टैक्स इनवॉइस का नंबर, माल की वैल्यू, माल का रेट, सब बताना पड़ेगा साहब। प्रैक्टिकली बनाएंगे, टेंशन मत लो। अरे वाह सर, तो बिल्कुल सही बात है। ये जानकारी किसके पास होती है, ये जानकारी होती है उस इंसान के पास जो रजिस्टर्ड पर्सन है और जिसने माल बेचा है, और या मैं कहूं जो मूवमेंट कर रहा है, तो उसी से इसलिए पार्ट ए भरवाया। तो अब पार्ट ए में क्या आता है तुम्हें समझ में आ गया साहब। पार्ट ए में कंजाइनर कंजाइनी की डिटेल आती है, कंजाइनर कंजाइनी मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट, जो माल भेज रहा है और जो माल रिसीव कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आती है। इसके अलावा बेटा ट्रांसपोर्टर अगर है, बाय चांस अगर तुमने ट्रांसपोर्टर को हायर करा है तो ट्रांसपोर्टर की डिटेल भी आती है। किसकी डिटेल आती है बोलो, ट्रांसपोर्टर की डिटेल भी यहां पर ही आती है। तो फिर सर पार्ट बी में क्या आता है, पार्ट बी में बेटा, पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ कन्वेंस की डिटेल आती है। ओहो, आधे से ज्यादा यूट्यूब पर जो वीडियो है जहां से तुम पढ़ते हो बेटा, वहां गलत पढ़ाया जाता है। मैंने खुद ने देखा, मेरी आंखें खुल गई, मैंने कहा साहब ये तो गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब बोलते हैं कि पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है। सब जने क्या बोलते हैं, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है, जीरो नंबर। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं आती साहब, पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ कन्वेंस की डिटेल आती है। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी। पार्ट बी में सिर्फ गाड़ी का नंबर डालते हैं बस, और गाड़ी का नंबर डालना जरूरी है। सर गाड़ी का नंबर, अरे वो नहीं होता कि RTI, RTI में जब तुम गाड़ी नई नई खरीदते हो तो RTI में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना बेटा, गाड़ी का RC नंबर, अपन बोलते हैं ना RC, नया नया RC आता है, फिर बाद में फिर आपको परमानेंट RC मिलता है, वही चीज बता रहा हूं। वो होता है गाड़ी व्हीकल नंबर, RJ36SB0551, इस तरीके से। वो होता है बेटा आपका कन्वेंस का नंबर।
और सिर्फ और पार्ट बी में आपने वही दिखाना होता है बस। बाकी ट्रांसपोर्टर की डिटेल और ट्रांजेक्शन की डिटेल तो कहां आ जाती है, पार्ट ए में ही आ जाती है, और ये होता है आपका EWB01। अब वापस आ जाओ साहब, वापस आ जाइए जहां हम पढ़ाई कर रहे थे। पार्ट ए बता दिया, पार्ट ए में क्या डिटेल फिल होती है, पार्ट बी बता दिया पार्ट बी में क्या डिटेल फिल होती है, और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको थोड़ी देर बाद जब बुक पे रेफर करेंगे। बट मैंने तुम्हें बताना है साहब कि पार्ट बी कौन भरेगा, पार्ट बी कौन भरेगा जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कन्वेंस की डिटेल तो उसी के पास होगी ना, इसलिए तो मैंने तुम्हें बताया कि पार्ट बी में क्या जाती है, गाड़ी की डिटेल। अब गाड़ी किसकी, हमारे वाले एग्जांपल में गाड़ी किसकी भाई, एक ही तो है, मूवमेंट कौन कर रहा है यार, ए कर रहा है ना, तो गाड़ी भी एक ही होगी ना। मैंने बोला ना ऑन कन्वेंस हायर्ड वन, अबे भाड़े पे भी लेगा तो मिस्टर ए ही लेगा ना, तो उसको पता है ना साहब मैं कौन सी गाड़ी में बैठ के जा रहा हूं, और पब्लिक कन्वेंस करेगा तो उसे पता है ना साहब कि कौन सी गाड़ी में मैंने माल रखवाया है, तो गाड़ी की डिटेल ए को पता है कि नहीं पता है, पता है। तो बस 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 सबरूल टू ने क्या बोल दिया कि जिसको भी गाड़ी की डिटेल पता है साहब वही इंसान, चाहे वो कंजाइनर हो या रेसिपिएंट हो, पार्ट बी वही भरेगा, पार्ट बी वही भरेगा। तो हमारे केस के अंदर पार्ट बी कौन भरेगा, ए ही भरेगा। तो सर इसका मतलब पार्ट ए भी ए बनाएगा, पार्ट बी भी बी बनाएगा, बिल्कुल बेटा। और ध्यान रखिएगा एक बार अगर पार्ट बी बन गया, पार्ट ए पहले बनता है पार्ट बी बाद में बनता है, या फिर दोनों साथ में बना दो, अगर आपके पास में उसी टाइम पर कन्वेंस की जानकारी भी है तो दोनों साथ में बना दो। तो देखो जैसे ये दोनों बनते हैं पार्ट ए और पार्ट बी बनके तैयार, बेटा ईवे बिल तैयार, ईवे बिल तैयार। ईवे बिल बनाने के लिए पार्ट बी को सबमिट करना जरूरी है, मेरी बात कान खोल के सुन लेना, सिर्फ पार्ट ए बनाने से ईवे बिल नहीं बनेगा, सिर्फ पार्ट ए बनाने से क्या होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ पार्ट ए बनाने से ईवे बिल नहीं बनेगा जब तक तुम पार्ट बी नहीं बनाते। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट होने के बाद, क्लास 12th तक पूरी पढ़ाई कर लेने के बाद ही बच्चा कॉलेज में आता है, उसी तरह से पार्ट ए और पार्ट बी दोनों फिल हो जाने के बाद ही ईवे बिल नंबर आता है। तो जो तुम्हें ईवे बिल नंबर चाहिए, जैसे वहां पर IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर आया था जब हमने ई इनवॉइस बनाया था, आज जब हम ईवे बिल बना रहे हैं तो हमें ईवे बिल नंबर चाहिए। बोलो समझा कि नहीं समझा, बात समझ में आ गई सर कि पार्ट ए पार्ट बी दोनों बनाने पड़ेंगे, और यह भी समझ में आ गया कि पार्ट ए बनाने की जानकारी कौन देता है, पार्ट ए बनाने की जानकारी देता है सबरूल वन, अरे बोलो यार यहां लिख दूं 138 वन, और पार्ट बी बनाने की जानकारी देता है 138 सबरूल नंबर टू। यहां तक कोई तकलीफ दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक चीज समझना, अगर मैं कहूं कि साहब मिस्टर ए ने तो भेजा लेकिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजा, मिस्टर ए ने तो भेजा लेकिन किसके थ्रू भेजा, ट्रांसपोर्टर GTA, अच्छा इनिशिएट मिस्टर ए ही करा रहा है, कॉजिंग द मूवमेंट तो मिस्टर ए ही करा रहा है, मूवमेंट कॉज कौन करा रहा है, मिस्टर ए ही करा रहा है, ओके सर, लेकिन इस बार खुद की गाड़ी से नहीं भेज रहा, ट्रांसपोर्टर अंकल यानी कि GTA को दे दिया। अब मुझे बताओ फटाफट से पार्ट ए कौन बनेगा, यार मेरे पास में टाइम नहीं है, फटाफट बताओ, अब तो फटाफट बता देना चाहिए तुम लोगों को। सर पार्ट ए मिस्टर ए ही बनाएगा क्योंकि वही मूवमेंट कॉज कर रहा है, द पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट। पार्ट बी कौन बनाएगा, अब पार्ट बी पता है आपको मिस्टर ए बना ही नहीं सकता, क्योंकि देखो GTA के पास का एक ट्रक होता है कि बहुत सारे ट्रक होते हैं, बहुत सारे ट्रक होते हैं। मैं तो बेटा दोपहर में गया 3 बजे के आसपास और माल पकड़ा के आ गया, ट्रांसपोर्टर अंकल GTA अंकल को मैंने माल पकड़ा दिया, अब उनके पास में इतने सारे ट्रक हैं, मैं तो वापस आ गया माल पकड़ा के कि भैया मैंने तो बोल दिया बिल्टी बना दो, ये माल भेजना है और इस जगह भेजना है, जगह बता दी, लोकेशन बता दी, पैसे दे दिए, सब करके मैं तो मेरे घर वापस आ गया। अब मुझे एक बात आओ कि ट्रांसपोर्टर अंकल का कौन सा ट्रक फ्री है, मुझे थोड़ी ना पता है कि कौन से ट्रक के अंदर, कौन सी गाड़ी के अंदर ये माल लोड होकर जाएगा, मुझे नहीं पता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पार्ट ए बनाकर उसका नंबर ट्रांसपोर्टर अंकल को देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो सर, मजा आ गया था। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि कंजाइनर पार्ट ए बनाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ये जो आपने बोला ना कि कंजाइनर जो है मिस्टर ए जो है वो पार्ट ए बनाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बेटा जब हम पार्ट ए बना देते हैं, जब हम पार्ट ए बना के छोड़ते हैं, पार्ट बी नहीं भरते, सिर्फ पार्ट ए बना के सबमिट कर देते हैं, तो एक चीज जनरेट होती है जिसे कहा जाता है पार्ट ए स्लिप। क्या बोलते हैं उसको, पार्ट ए स्लिप बोलते हैं, और इसका एक टेम्परेरी नंबर होता है, इसका एक टेम्परेरी नंबर होता है। और ये जो टेम्परेरी नंबर होता है ना, ये टेम्परेरी नंबर किसको दे दिया जाता है, उस इंसान को दे दिया जाता है बेटा जिसको पार्ट बी बनाना है, जिसको पार्ट बी बनाना है। वो क्या करेगा, ये टेम्परेरी नंबर डालेगा सिस्टम के अंदर, ये टेम्परेरी नंबर सिस्टम के अंदर डालेगा, और डालते ही उसके सामने पार्ट बी आ जाएगा ब्लैंक, क्योंकि पार्ट बी तो भरा नहीं था ना, पार्ट ए आ जाएगा लेकिन वो फिल्ड है क्योंकि उसे ऑलरेडी फिल्ड कर रखा है, तभी तो पार्ट ए स्लिप बनी थी ना, तभी टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आया।
तो ये नंबर हम किसको दे देंगे, जिससे हमें पार्ट बी भरवाना है, वो जैसे सिस्टम में डालेगा पार्ट ए तो ऑलरेडी भरा हुआ था तो वो उसको शो हो जाएगा, और पार्ट बी ब्लैंक आएगा उसमें वो डिटेल फिल कर देगा, सबमिट कर देगा, और जैसे पार्ट बी सबमिट होगा, ए हो ही चुका था, ई वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि सर अगर पार्ट ए अलग बनाया जाए तो इसका मतलब पार्ट बी अलग से बनाया जा सकता है, दोनों को साथ में बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों को साथ में तब बना सकते हो जब आपको हाथों हाथ पता हो कन्वेंस कौन सी है, गाड़ी कौन सी है, लेकिन जब मैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू बेटा भेजता हूं तो उस केस में मुझे नहीं पता कि ट्रांसपोर्टर अंकल कौन से ट्रक में मेरे माल को लोड करेंगे, उनके पास में बहुत सारी गाड़ियां होती है, बहुत सारे ट्रक होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ। हाँ जी सर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पार्ट ए स्लिप बनाकर इसकी डिटेल किसको दे देते हैं, इसकी डिटेल ट्रांसपोर्टर अंकल को दे देते हैं। किसको? ट्रांसपोर्टर अंकल को। वो जो मैंने बोला ना टेम्परेरी नंबर, वो हम ट्रांसपोर्टर अंकल को भेज देते हैं, और ट्रांसपोर्टर अंकल को भी इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है, चाहे जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड होना हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बताया था जीटीए आरसीएम में कवर होता है। मैंने क्या बताया था, जीटीए कहां कवर होता है, जीटीए आरसीएम में कवर होता है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि जीटीए को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। क्या मैंने ऐसा बोला? नहीं सर, आपने ऐसा नहीं बोला। मुझे बताओ वो पोर्टल मैंने बताया था ना तुम्हें कहां है वो, ये रहे बेटा, ये रहे वो पोर्टल। जब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सेक्शन 22 के अंदर, तो आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है कॉमन पोर्टल, जस्ट मेरी फिंगर के ऊपर ये वाला, हाँ ये वाला gst.gov.in, ये वाला पोर्टल पे बेटा रजिस्ट्रेशन तब होता है जब तुम्हारा 20 लाख से ऊपर टर्नओवर निकला है और तुम्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी सर, बात समझ आ गई। लेकिन ये जो ईवे बिल वाला पोर्टल है ना बेटा, दूसरा ये वाला एनआईसी वाला, जिसे एनआईसी ने बनाया, इस पर तुम चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके लिए 20 लाख की जरूरत, तुम भले ही जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो, बट अगर तुम्हें ईवे बिल बनाना है तो तुम ईवे बिल पोर्टल पे अलग से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें एक सेकंड देखो प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं। ये देखो ये रहा सिस्टम, ये देखो बेटा रजिस्ट्रेशन, देखो क्या लिखा हुआ है, तीन चीजें क्या लिखी हुई आ रही है, ईवे बिल रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर्स, और ईवे बिल फॉर सिटीजंस। अभी ईवे बिल फॉर सिटीजन क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन ये देखो एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ जी सर लिखा हुआ है। और ये देखो एनरोलमेंट फॉर्म तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा, ये देखो ये आ गया। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये देखो स्टेट्स के नाम पूछ लिए सारे के सारे, तो ट्रांसपोर्टर की यहां पर सारी की सारी डिटेल भरवा दी जाएगी और उसको इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन उसका करा दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जीएसटी देना पड़ जाएगा, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया, नहीं भाई, जीएसटी पोर्टल पे नहीं करवाया, ईवे बिल पोर्टल अलग है। देखो मैंने बोला ना इसका एड्रेस ही अलग है, ईवे बिल gst.gov.in, इसका ओरिजिनल वो हमारे जीएसटी वाले पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है, डोमेन ही अलग है, सब डोमेन नहीं है, डोमेन ही अलग है। बोला समझा कि नहीं समझा? हाँ जी सर, बात समझ में आ जाती है। तो मैंने तुम्हें बताया साहब कि ट्रांसपोर्टर अंकल क्या कर सकते हैं, अलग से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और याद करो कि अगर ट्रांसपोर्टर पोर्टल ने अलग से, ट्रांसपोर्टर अंकल ने अलग से रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो क्या फिर वो पार्ट बी भर सकते हैं? हाँ जी सर, वो पार्ट बी भर सकते हैं। तो यहां लिख दूं मैं कि यहां पर पार्ट बी बेटा कौन बनाएगा, सर ब्लू कलर से लिखो, ट्रांसपोर्टर बनाएगा, और ट्रांसपोर्टर को ही बनाना पड़ेगा, मैं चाहकर भी नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास में गाड़ी का नंबर नहीं है और मुझे नहीं पता कि कौन सी गाड़ी में ट्रांसपोर्टर अंकल माल को लोड करने वाले हैं। मैं तो जिस वक्त देने गया था मुझे मेरी डिटेल पता थी, मैंने पार्ट ए बना दिया। अब आता है आपके पास में तीसरा, तीसरे में मैंने बोला कि ए और बी सप्लायर और रेसिपिएंट है, मूवमेंट कौन कर रहा है, तो मैंने बोला साहब इस बार बी मूवमेंट कर रहा है, ओ माय गॉड, और खुद की गाड़ी से कर रहा है। बहुत रेयर चांस ऐसा होगा प्रैक्टिकली जब आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि इंसान खुद जा रहा है अपनी गाड़ी लेके माल लाने के लिए। जनरली मैंने क्या बोला, जब हम माल खरीदते हैं बेटा सामने वाला भिजवा देता है या फिर गाड़ी में रखवा देता है, खुद हम नहीं जाते हमारी गाड़ी लेकर। लेकिन मैंने क्या बोला, आई हैव टू डाइव इन, मैं पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, लॉ के चीथड़े उड़ाऊंगा, एक एक बाल नोच कर निकालूंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो साहब पूरा एनालिसिस करना है। तो मैंने इसलिए ये वाला केस भी बनाया, भले प्रैक्टिकली बहुत कम होता हो, लेकिन मैंने तो बनाया साहब कि अगर रेसिपिएंट लेने जाए तो क्या होगा। अच्छा ये ध्यान रखना कि जो मेन केस हमारा चल रहा है केस नंबर 1, उसके अंदर मैंने बोला ए और बी बोथ आर रजिस्टर्ड, ए और बी बोथ आर रजिस्टर्ड। अब मुझे बताओ कि सबरूल 1 ने क्या बोला था, पर्सन नहीं रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट, रजिस्टर्ड पर्सन जो मूवमेंट कॉज कर रहा है उसे पार्ट ए बनाना है। इस वाले केस में मूवमेंट कौन कॉज कर रहा है, बी। ए को नहीं पता, ए ने तो बोला साहब तू मेरी दुकान पे आया, मैंने तुझे माल पकड़ा दिया, अब तू लेकर जा तेरी गाड़ी में, तेरे को जहां जाना है जा, मेरे को मतलब नहीं है। मिस्टर ए को इस बार मतलब नहीं है क्योंकि मिस्टर ए ने तो हाथों हाथ हैंड डिलीवरी दे दी मिस्टर बी को, मिस्टर बी खुद अपनी गाड़ी लेकर आया और अब खुद अपनी गाड़ी में ले जा रहा है। मुझे बताओ क्या मिस्टर बी रजिस्टर्ड है? हाँ जी साहब,
पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या मिस्टर बी मूवमेंट कर रहा है कॉजिंग द मूवमेंट? हाँ जी साहब, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो सीधा जवाब बच्चों का आ रहा है कि सर यहां पर बी भाई साहब को ही पार्ट ए बनाकर चलना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं साहब लगे हाथ पार्ट बी भी निकाल लो, क्योंकि बी अपनी खुद की गाड़ी से लेकर जा रहा है तो उसको गाड़ी का नंबर भी पता है, गाड़ी का नंबर भी पता है, कन्वेंस डिटेल भी उसके पास में है, तो तुरंत उसे पार्ट बी भी बनाना पड़ेगा। और पार्ट बी बनाते ही आपके पास में आपका ईवे बिल पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगला केस, मैंने कहा जी साहब इसने ट्रांसपोर्टर कर लिया, इसने ट्रांसपोर्टर करा है, बी ने, ए ने नहीं, बी ने ट्रांसपोर्टर करा है, तो मुझे बताओ बेटा यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बी रजिस्टर्ड पर्सन है, कॉजिंग द मूवमेंट है, पार्ट ए बी बनाएगा, और क्योंकि गाड़ी का नहीं पता चल रहा है तो ट्रांसपोर्टर को बनाकर दे देगा पार्ट ए स्लिप। बोलो मेरे साथ, पार्ट ए स्लिप। तो पार्ट ए स्लिप बना के दे देगा मिस्टर बी ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर पार्ट बी फुलफिल करेगा और ईवे बिल तैयार कर लेगा। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ मुझे। नहीं सर, ये तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, सारे के सारे केस हमें क्लियर हो गए। अब तुम चाहो तो मैं केस नंबर टू पर चलूं या तुम्हें पहले प्रैक्टिकल बना के दिखाऊं कि पार्ट ए पार्ट बी कैसे बनता है, तो तुम्हें और प्रैक्टिकल क्लैरिटी आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना। हाँ जी सर, ठीक है, आप बता दीजिए, पहले प्रैक्टिकली बता दीजिए, एक बार देख लेते हैं कि कैसे बनता है, उसके बाद हम केस नंबर टू पर आ जाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो फटाफट से पोर्टल पे चले। हाँ जी सर, ये रहा हमारा ईवी बिल का पोर्टल। या फिर एक काम करो, तुम एक वाटर ब्रेक ले लो, छोटा सा, बच्चे कह रहे हैं पानी वानी पीना है। तो ठीक है दोस्त, लंबी, वैसे भी हमने लंबी बातचीत करी है, तकरीबन एक घंटा होने जा रहा है हमें बातचीत करते हुए, तो हैव अ स्मॉल वाटर ब्रेक, मैं भी पानी पी लेता हूँ और उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो हैव अ वाटर ब्रेक। हाँ जी दोस्तों, हो गया वाटर ब्रेक पूरा। हाँ जी सर, हमारा वाटर ब्रेक पूरा हो गया। तो हम कहाँ थे साहब, हमने कहा था हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे बनता है आपका ईवे बिल। तो देखो साहब, मैंने ये पोर्टल खोल लिया आप सभी के सामने, ईवे बिल का पोर्टल, ईवे बिल सिस्टम इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। क्या करा मैंने, ईवे बिल gst.gov.in ये पोर्टल खोला। ओके, इस पे देखो ये रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो। तो अगर आप ऑलरेडी पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो, कौन से वाले पे, जीएसटी वाले पोर्टल पे, तो यहाँ जाके हम जीएसटी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे सेम टू सेम। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो आप ट्रांसपोर्टर वाला ऑप्शन लेकर इस पोर्टल पे रजिस्टर हो सकते हो। और अगर आप दोनों ही नहीं हो तो आप बेटा नॉर्मल सिटीजन हो। अगर नॉर्मल सिटीजन यानी कि एक आम आदमी है जो ईवे बिल बनाना चाहता है, अब आम आदमी ईवे बिल कब बनाता है, सवाल क्या उठा कि अगर आम आदमी को ईवे बिल बनाने का ऑप्शन दे रखा है वेबसाइट पे, ये देखो, ये अगर वेबसाइट पे एक आम आदमी को ईवे बिल बनाने का ऑप्शन दे रखा है तो हम कानून में देखेंगे कि कब एक आम आदमी भी ईवे बिल बना सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर देखो ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रखी है। अपडेट व्हीकल, अगर व्हीकल नंबर अपडेट करना है देखो, तो डालो अपना मोबाइल नंबर, डालो ईवे बिल नंबर, डालो ओटीपी आएगा और फिर तुम आगे काम करके चल सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं जो अकाउंट अभी यूज करने वाला हूँ वो अकाउंट कौन सा है, वो अकाउंट है आपका रजिस्टर्ड अकाउंट, मतलब जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ओरिजिनल पोर्टल पे रजिस्टर्ड है और ईवे बिल पोर्टल पे भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो डायरेक्ट लॉग इन करेंगे, लॉग इन पे क्लिक करेंगे, देखो राइट हैंड साइड में आ रहा है लॉग इन। हाँ जी सर, तो जब मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट हमारे पास में यूजर आईडी पासवर्ड वो हमसे मांग लेगा, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, ये देखो यूजर आईडी पासवर्ड मांग लिया। अब हम यहां पर डाल रहे हैं हमारा यूजर नेम, ठीक है, और अब मैं क्या डाल रहा हूं, पासवर्ड। अब डालेंगे कैप्चा और ये कर दिया हमने लॉगिन।
ठीक है, तो ये हो गया सब आपका लॉगिन। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाँ जी सर, लॉगिन दिखाई दे रहा है। ये आ गया सब आपका डैशबोर्ड और ये आ गया आपका ईवे बिल। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये नीचे ओपन हुई ना, ये मीनू ओपन हो गई। अब ये जो मीनू ओपन हुई इसके अंदर देखो जनरेट न्यू, जनरेट बल्क और बाकी के नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो हम धीरे 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 करके समझेंगे। अभी जितना हमने कानून से समझा है उतना मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। तो जब मैं जनरेट न्यू पे क्लिक करूंगा, मैंने किस पे क्लिक करा, जनरेट न्यू, तो आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। ई वे बिल आपके सामने खुल चुका है बेटा, और ये जो दिखाई दे रहा है ये पार्ट ए है, और ये देखो ये रहा नीचे पार्ट बी, ये रहा पार्ट बी, नीचे दिखाई दे रहा है पार्ट बी। हाँ जी सर, और तुम खुद देख लो कि पार्ट बी में कोई ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो सिर्फ और सिर्फ कन्वेंस की डिटेल है। किसकी डिटेल है? कन्वेंस की, कि मोड क्या है भाई, रोड से जा रहा है, रेल से जा रहा है, एयर से जा रहा है, शिप से जा रहा है, भाई किससे जा रहा है, बस जिससे भी जा रहा है। और फिर व्हीकल का टाइप क्या, ओवर डायमेंशनल कार्गो है कि रेगुलर है। अभी क्या होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो रेगुलर, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। व्हीकल नंबर मांग रहा है, जी साहब व्हीकल नंबर मांग रहा है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर अगर आपके पास में है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। ठीक है, पार्ट ए में देखो सब, पार्ट ए में इसने क्या क्या दे रखा है, सप्लाई टाइप सबसे इंपॉर्टेंट और पहला ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप क्या है, आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड की इनवर्ड। अब देखो डिपेंड करेगा ईवे बिल कौन बना रहा है, इसलिए मैंने बोला कि जितना पढ़ लिया है पहले समझ लेते हैं एक बार। हमारे केस में अगर हम देखें तो साहब पहले वाले में मिस्टर ए था, कौन था बोलो, पहले वाले में मिस्टर ए था जो मूवमेंट कर रहा था, और मिस्टर ए के लिए क्या था बेटा, मिस्टर ए के लिए था आउटवर्ड सप्लाई। तो मिस्टर ए अगर ईवे बिल बनाएगा तो वो आउटवर्ड पे क्लिक करेगा, और उसके बाद में सब टाइप, उसके बाद में क्या है सब टाइप, पहले है सप्लाई का मेन टाइप, आउटवर्ड एक इनवर्ड, और उसके बाद में सब टाइप। अब सब टाइप में नॉर्मल सप्लाई है, एक्सपोर्ट कर रहे हो, जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो, एसकेडी सीकेडी और लॉट्स, ये भी अब आपको याद हो गया होगा, सेमी नॉकडाउन कंप्लीट नॉकडाउन याद करो, टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अपने। रेसिपिएंट नॉट नोन, किसको बेचा है नहीं पता, किसको मिलेगा नहीं पता, फॉर ऑन यूज खुद के यूज के लिए, मतलब अपनी ही एक ब्रांच से अपनी ही दूसरी ब्रांच पर भिजवा रहे हो तो वो ऑन यूज हो गया, या अपनी ही ब्रांच से अपने घर पर भिजवा रहे हो तो वो ऑन यूज हो जाएगा। एग्जीबिशन और फेयर्स में भिजवा रहे हो तो यहाँ पर आप एग्जीबिशन और फेयर्स को टिक कर सकते हो। लाइन सेल है तो लाइन सेल पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप अदर में रीजन स्पेसिफाई करके भी बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, आउटवर्ड, बोलो हाँ कि ना। और यही अगर अपने केस में जब मिस्टर बी खुद अपनी गाड़ी से या खुद ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल मंगवा रहा था खुद के पास, मिस्टर बी ने खुद ने ही माल खरीदा, उसके लिए आउटवर्ड थी कि इनवर्ड थी मेरे दोस्त, उसके लिए ये इनवर्ड सप्लाई थी, उसके लिए कौन सी सप्लाई थी, ये इनवर्ड सप्लाई। तो वो किस पे क्लिक करेगा, इनवर्ड पे क्लिक करेगा, और अकॉर्डिंगली आगे सब कैटेगरी सेलेक्ट करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक दिक्कत की कोई बात नहीं है, मामला समझ में आ गया कि जो ले जा, डिपेंड करेगा कि पार्ट ए कौन बना रहा है, क्योंकि जो पार्ट ए बना रहा है वही यहां पर आउटवर्ड और इनवर्ड अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेगा। बेचने वाला बना रहा है तो उसके लिए तो बेटा आउटवर्ड है, और खरीदने वाला बना रहा है तो उसके लिए तो इनवर्ड है। उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट टाइप, जिसमें हमें बताना है साहब कि डिलीवरी चालान के बेसिस पे कर रहे हो या किसके बेसिस पे, अदर किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कर रहे हो, क्योंकि मैंने सब सप्लाई यहां पर अभी तक सेलेक्ट नहीं करी। तो मैंने बोला साहब कि मैं खुद मंगवा रहा हूं, मिस्टर बी मंगवा रहा है और नॉर्मल सप्लाई है, तो नॉर्मल सप्लाई जैसे देखो मैंने सेलेक्ट करा, यहां क्या लिखा हुआ आ गया, टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आ गया, क्योंकि माल अगर बिका है तो या तो टैक्स इनवॉइस बना होगा या बिल ऑफ सप्लाई बना होगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स के रेस्पेक्ट में बिल ऑफ सप्लाई बनता है, या फिर अगर आप कंपोजिशन वाले आदमी हो तो बिल ऑफ सप्लाई बनकर चलता है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करता हूं। डॉक्यूमेंट नंबर यानी टैक्स इनवॉइस नंबर, फॉर एग्जांपल टैक्स इनवॉइस नंबर क्या है 124, तो मैंने 124 डाल दिया। ट्रांजेक्शन टाइप क्या है साहब, बिल टू शिप टू है, बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम है, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड, तो हमने कहा सब रेगुलर है, नॉर्मल माल बेचा है, कोई बिल टू शिप टू का झंझट यहां पर नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। बिल फ्रॉम, बिल टू, बिलिंग किसको हुई है, बिलिंग मुझे हुई है क्योंकि मैं इनवर्ड सप्लाई सेलेक्ट कर रहा हूं बेटा। मैंने क्या सेलेक्ट करा, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या होता है, मैं खरीद रहा हूं, यानी कि बिलिंग किसको हो रही है, मुझे हो रही है, और बिलिंग करने वाला कौन है, यानी कि सामने से बिलिंग कौन कर रहा है, तो उसकी डिटेल यहां पर आपके पास आ जाएगी, और जीएसटी नंबर उसका यहां पर आ जाएगा। सर अगर सामने वाला रजिस्टर्ड ना हो तो बेटा यहां पर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी कि यूआरपी लिख सकते हो। देखो इन्होंने दे भी रखा है, हेल्प पे हम जाते हैं तो लिखा होता है एंटर कंजाइनर जीएसटी और यूआरपी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, यूआरपी। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर आएगी कंजाइनर की डिटेल और यहां पर आएगी कंजाइनर की डिटेल, तो मैं एक काम करता हूं बेटा यहां पर फॉर ऑन यूज पे टिक कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली डिटेल फिल हो जाएगी। ऑन यूज का मतलब मैं ही बेच रहा हूं और खुद को ही बेच रहा हूं, तो बिल कौन बनाएगा, मैं ही बना रहा हूं और खुद को ही बना रहा हूं। तो हमने क्या करा, दो ऑफिस अलग अलग कर दिए, ब्यावर ऑफिस और अजमेर ऑफिस, यानी कि ब्यावर ऑफिस बिलिंग कर रहा है, डिस्पैच कौन कर रहा है, ब्यावर ऑफिस, और शिपिंग कहां हो रही है,
अजमेर ऑफिस में हो रही है और यूनिट हमारी ही है जो बिलिंग कर रही है। आइटम डिटेल, मैंने कहा था ना कौन सा सामान जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, टैक्स का रेट कितना है, टैक्स कितना है, सब बताना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ पेंटिंग बेची सर, हमारी एक यूनिट है पेंटिंग बेची है, और ये देखो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपके मैंडेटरी नहीं है, एचएसएन कोड आपको डालना पड़ेगा। तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि पेंटिंग का एचएसएन कोड क्या होता है। पेंटिंग का एचएसएन कोड होता है साहब 9701, तो हम डाल देते हैं 9701, ठीक है। हाँ जी सर, क्वांटिटी में डाल देते हैं साहब, एक पेंटिंग थी और 1000 रुपए की पेंटिंग थी, कितने की 1000 रुपीज की पेंटिंग थी, 12% का रेट था, तो 6+6 सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली देखो अमाउंट निकलकर आगे 120 रुपए बना, तो 1120 का आपके यहाँ पर नीचे देखो सारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद ट्रांसपोर्टर नेम, भेजने वाला कौन है, तो मैंने कहा जी साहब हम खुद ही ले जा रहे हैं हमारी गाड़ी में, हम खुद ही हमारी गाड़ी में ले जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर आईडी क्या डलेगी बेटा आपको, बेटा आपका जीएसटी नंबर, ये जो आपका जीएसटी नंबर है ना इसे कॉपी कर लो और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो। तो देखो आपका खुद का जीएसटी नंबर डालते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नाम आ गया मेरी कला, तो मेरी कला जो है यूनिट वो खुद ही अपनी गाड़ी में इसको ले जा रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आया। तो देखो ट्रांसपोर्टर की डिटेल पार्ट ए में ही होती है, देखो ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स पार्ट ए का पार्ट ही है, पार्ट बी में नहीं आता, और यही चीज मुझे समझानी है, पार्ट बी में सिर्फ बेटा कन्वेंस की डिटेल आती है। तो कोई भी आपसे पूछना कि ईवे बिल के अंदर पार्ट ए क्या है, तो बोलना कंजाइनर, कंजाइनी और ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल, और पार्ट बी में आपके पास में आता है कन्वेंस की डिटेल, ठीक है। ओके सर, अब यहां पर साहब गाड़ी का नंबर डालना है, मैंने कहा जी साहब पहले मैं सिर्फ पार्ट ए बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया ना कि पार्ट ए बनाने पे क्या होता है, पार्ट ए बनाने पर पार्ट ए स्लिप बनती है और उसका एक टेम्पररी नंबर होता है जो अगर हम किसी और को दें तो वो ले जाकर वहां पर उसे अपडेट करेगा तो पार्ट बी बन जाएगा। तो प्रैक्टिकली देखते हैं ना भाई कैसा होता है क्या। पार्ट ए भर दिया, हाँ जी सर पार्ट ए भर दिया, पार्ट बी नहीं भर रहा हूं, देखो तुम्हारे सामने खाली छोड़ रहा हूं और क्या कर रहा हूं, सबमिट कर रहा हूं। अलर्ट, सम ऑफ द फील्ड्स मैंडेटरी इज नॉट फिल्ड, कौन सा फील्ड नहीं है साहब, ओके आखिर कौन सा फील्ड ऐसा है जो हमने नहीं भरा, वो तो हमें देखना पड़ेगा ना। देखो हमने ओके करके ओके कर दिया, वो एरर जरूर आया बेटा, लेकिन ये देखो मेरे हिसाब से यहां पर आपके पास में ये देखो पार्ट ए बनके तैयार हो गया, ये आ गया आपका बारकोड और ये आ गया आपके पास में आपका पार्ट ए स्लिप। मैंने ये बोला था, हाँ जी सर आपने ये बोला था कि पार्ट ए स्लिप बन के तैयार हो जाता है अगर हम पार्ट बी नहीं भरे तो, पार्ट ए स्लिप बन के तैयार हो जाता है अगर हम पार्ट बी नहीं भरे तो, और एक टेम्पररी नंबर आता है यूनिक नंबर 7612139973400, ये हमारे पास में यहाँ पर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मामला समझ में आ गया। लेकिन अब ये नंबर का मैं क्या करूंगा बेटा, ये नंबर मैं ट्रांसपोर्टर को दे दूंगा अगर मैं उसके थ्रू भिजवा रहा हूं। देखो अगर मेरी खुद की गाड़ी होती तो मुझे पहले पता रहता तो मैं पार्ट बी भरकर पूरा ईवे बिल ही बना लेता ना, फिर मैं पार्ट ए स्लिप क्यों बनाता। अब मैंने साहब पार्ट ए बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, इस नंबर को कॉपी करूंगा और ट्रांसपोर्टर को भेज दूंगा, ठीक है। यहां से आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, एग्जिट। अब ट्रांसपोर्टर को क्या करना है पता तुम्हें, बहुत आसान काम है, देखो मैं दिखाता हूं। ट्रांसपोर्टर पता क्या करेगा, सिर्फ ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, खुद के डैशबोर्ड पे आएगा, लॉगिन करेगा सिस्टम के अंदर, यहां जाएगा, हाँ जी सर, और वो डालेगा देखो ये तीसरा ऑप्शन अपडेट पार्ट बी स्लैश व्हीकल, ये मीनू खुला ना मैंने, देखो ये खोला, हाँ सर ये खुल गया, मैं लेफ्ट हैंड साइड पर हूं, मतलब कि मेरे सर के जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा पार्ट बी और व्हीकल, थर्ड नंबर का ऑप्शन है, ये सेलेक्ट करा, हाँ जी सर। अब ये देखो क्या बोला इसने, ईवी बिल का नंबर डाल दो, ये ईवी बिल नंबर नहीं है, ये पार्ट ए स्लिप का नंबर, ये डाला। अब जैसे मैं ये नंबर यहां पर बेटा पेस्ट करूंगा और गो पे क्लिक करूंगा, तैसे ही आपको पता है क्या होगा, वो जो पार्ट ए है ना, ये देखो ये आ गया था पार्ट बी एम्प्टी आप सभी के सामने आ गया, और पार्ट ए में पूरा आ गया कि कौन भेज रहा है, किसे भेज रहा है, और पार्ट बी की डिटेल जिसने यहां पर मांग ली। अब समझे तुम लोग, कुछ नहीं करना है, तुम पार्ट ए बनाओ और पार्ट ए बनाकर ट्रांसपोर्टर को दे दो, तो जैसे ट्रांसपोर्टर डालेगा ना तो देखो अपडेट पार्ट बी का ऑप्शन उसके पास में आ जाएगा, अब वो यहां पर व्हीकल नंबर प्लेस ऑफ चेंज वगैरह सब यहां पर डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर, एग्जिट करो दो मिनट के लिए। ये तरीका होता है जब हमें दो टुकड़ों में ईवे बिल बनाना होता है, दो टुकड़ों में मतलब पहले हमने पार्ट ए बनाया फिर हमने पार्ट बी बनाया। सर अगर पार्ट ए बनाकर पार्ट बी को बीच में कैंसिल करना हो तो आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि अगर मैं पार्ट ए बनाकर पार्ट ए को अगर बीच में कैंसिल करना चाहूं तो क्या वो कर सकते हैं, तो बेटा उसको लेकर जितने भी कानून वगैरह हैं वो हम अभी आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन जितना मुझे बताना था अभी मैंने उतना आपको बता दिया। तो पार्ट ए कैंसिल करना है या जो हमने ईवे बिल बनाया अगर वो गलती से बन गया या उसमें कोई गलती हो गई तो उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, या गलती अगर करेक्ट नहीं हो सकती है तो क्या ईवे बिल कैंसिल हो सकता है क्या, ये सारी चीजें हम अभी आगे देखकर चलेंगे। ओके सर, फिलहाल हम वापस से किस पर आ जाएंगे, हमारे केस पर आ जाएंगे जो हम सीख रहे थे, बोलो हाँ कि ना, हेलो, हाँ जी सर हम जाग रहे हैं। केस नंबर सेकंड, अब मैं केस सेकंड बनाऊंगा और फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे बेटा, जो भी पोर्टल देखो मैंने पोर्टल बंद नहीं कराया, पोर्टल अभी भी ओपन है, तो इसमें जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा हैं वो सारी की सारी मैं आपको बताकर चलूंगा। ओके सर,